नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ भट्ट न्यूज, खबर नालंदा से है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर शराब माफियाओं के द्वारा चुलाई शराब का गोरख धंधा तेजी से किया जा रहा है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा लगातार शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को चिकसौरा थाना क्षेत्र इलाके के खोखना गांव में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 160 लीटर शराब को नष्ट किया गया। इसके साथ साथ शराब बनाने वाले यंत्र को भी जब्त किया गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। चिकसौरा थाना क्षेत्र के खोखना गांव में चुलाई शराब का धंधा फल फूल रहा है। गौरतलब है कि आने वाले समय में हिलसा प्रखंड में भी पंचायत चुनाव होना है। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर चुलाई शराब की मांग बढ़ जाती है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 160 लीटर शराब को बरामद किया। शराब माफियाओं ने खेतों में छुपाकर शराब बनाने का उपकरण को रखा था। फिलहाल इसमें शराब माफियाओं को चिन्हित किया गया है और आगे की अधिकतर कार्रवाई की जा रही है। जो होता है वो स्थानीय नालंदा जिला के LTF और उत्पाद मद निषेध टीम के साथ संयुक्त छापेमारी की गई। यहाँ पता चला था कि यहाँ भारी पैमाने पर शराब प्राप्त होता है। बरामदी में हुआ एक चुलाई मशीन बरामद हुआ है, दो अनटेंसिल बरामद हुआ है और 160 केजी जो होता है चुलाने योग पास बरामद हुआ है। उसमें जो होता है स्थानीय थाना और चौकीदार के सहयोग से शराब कारोबारी जो यहाँ बनाते हैं उसको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद जो होता है वो मद निषेध के सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय कुमार।